हेलो यूट्यूब, माय नेम इज़ मोहम्मद अजीम एंड अगेन मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है टेक ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरह अपने पीसी में जितनी भी हमारी जंक फाइल्स होती हैं, जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जो आपके पीसी की स्पीड को, आपके इंटरनेट की स्पीड को स्लो बना देती हैं, उनको किस तरह डिलीट करें ईजिली। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये चैनल अपना सब्सक्राइब नहीं कराया तो ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं मोहम्मद अजीम आप लोगों के लिए रोज़ नए नए ट्यूटोरियल्स लाते रहता हूँ जो हिंदी उर्दू जैसे इजी लैंग्वेज में होते हैं। और आप हमें गूगल प्लस पर फॉलो कर सकते हैं और हमारा फेसबुक पेज है उस पर भी हमें लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी यहाँ पर क्लिक करके फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, एक सॉफ्टवेयर है, आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र में आना है। ब्राउज़र में आने के बाद आपको क्लीनर सर्च करना है। क्लीनर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखा देगा। इस सॉफ्टवेयर की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उससे, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उससे ही इंस्टॉल करें, क्योंकि जो लिंक मैंने दी है वो एकदम वायरस फ्री है और बिल्कुल जो जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर है उन्हीं की लिंक है, उन्हीं की ऑफिशियल लिंक है, वो उस पर से ही इंस्टॉल करें। तो हमने जैसे ही पहले लिंक पर क्लिक करा, आपके पास यहाँ पर नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। इस कंपनी का नाम है प्रीफॉर्म, यहाँ पे आपका मेन्यू है, यहाँ पे सर्च बार है और यहाँ पे आपका लोगो है, सी क्लीनर का कैसा लोगो होगा। और फ्रेंड, यहाँ पे आपको देखिए दो ऑप्शन दिखा रहा है, डाउनलोड फ्री वर्जन और गेट प्रो वर्जन। आपको करना क्या है, आपको क्लिक करना है डाउनलोड फ्री वर्जन पे। फ्री वर्जन पे जैसे आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये वेब पेज ओपन होगा। आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाएगा तीन टेबल, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है सी क्लीनर फ्री, सी क्लीनर प्रोफेशनल और सी क्लीनर प्रोफेशनल प्लस। तो आपको इन दोनों को इग्नोर मानना है, आपको इंस्टॉल जो करना है वो है सी क्लीनर फ्री वाला। ठीक है, उसके नीचे फ्री लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रो और प्रोफेशनल जो है अलग यूज के लिए हैं, मतलब इनमें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शंस हैं। तो आप इसे इंस्टॉल कर लें, जो हमारे लिए बेसिक नीड्स होती है वो फास्टर कंप्यूटर की होती है और प्राइवेसी प्रोटेक्शन की होती है, तो हमें यही चाहिए बस। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे फ्री डाउनलोड पे, आपके पास देखिए नया वेब पेज ओपन होगा। वेब पेज में आपको यहाँ पे दिखाएगा क्या क्या इसमें आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, प्रोफेशनल वर्जन में क्या होंगी, प्रोफेशनल प्लस वर्जन में क्या होंगी। तो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं डाउनलोड फ्रॉम फाइलिपो, यहाँ पर डाउनलोड फ्रॉम फाइल और डाउनलोड फ्रॉम प्रीफॉर्म। तो आपको क्लिक किस पर करना है, आप दोनों में से किस पर भी क्लिक कर दें। हम प्रीफॉर्म पे क्लिक करना है जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये डाउनलोड हो रहा है, देखिए मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो देखिए 6 MB का सॉफ्टवेयर है, आप इस पर इसे इंस्टॉल कर लें। अब जैसे ही आप अपने डेस्कटॉप पर आएंगे इसको इंस्टॉल करने के बाद, तो आपके देखिए यहाँ पर सी क्लीनर का लोगो मिलेगा, यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर है। अब जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस देखिए कुछ ऐसा है, इतना अच्छा इंटरफेस है इसका। ये है हमारा यहाँ पे कुछ बेसिक, यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर की एक अच्छी बात ये है कि ये आपको आपका जो पीसी है उसकी इंफॉर्मेशन भी बता देता है कि आपके पीसी में कौन सी विंडोज़ है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा प्रोसेसर है, कितने GB की रैम है, कौन सा ग्राफिक कार्ड है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए आपको, और ये ऑटोमेटिकली आपके जो पीसी होता है उसकी जो विंडोज़ की बाइट होती हैं वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेता है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको इंस्टॉल करना है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हम आते हैं, ये रहा है इसका लोगो। यहाँ पर आपको देखिए दो ऑप्शन दिखा रहा है, विंडोज़ और एप्लीकेशन। ये हमारा विंडोज़ है और एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है क्लीनर, ये आपका मेन्यू है, आप इसको चेक कर सकते हैं। हम इसको अभी बाद में देखेंगे। यहाँ पे आपको दिखा रहा है सबसे नीचे एनालाइज और रन क्लीनर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आते हैं विंडोज़ पे। विंडोज़ का मतलब क्या होता है, जो आपके विंडोज़ में जो प्री इंस्टॉल्ड फाइल्स होती हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज़ एक्सप्लोरर सिस्टम, जो सिस्टम का रिसाइकल बिन होता है, टेम्प्रेरी फाइल्स, क्लिपबोर्ड वगैरह जो होता है, वो एक जगह जो है जमा होती रहती हैं अपना, मतलब जो एक तरीके से बैकअप समझ लीजिए, वो बैकअप अपना छोड़ती रहती हैं जो हमारे पीसी को स्लो बना देती हैं। तो ये तो हो गई हमारी विंडोज़, जो हमारी विंडोज़ की प्री इंस्टॉल्ड टेम्प्रेरी फाइल्स होती हैं वो ये हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे जो आपने बाद में इंस्टॉल करेंगे, जैसे क्रोम, विंडोज़ स्टोर है हमारा,
और एप्लीकेशन है हमारे सॉफ्टवेयर, जितने भी आपने एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर होंगे वो सब आ जाएंगे, इंटरनेट जो आपके सॉफ्टवेयर होंगे वो सब आ जाएंगे, तमाम जितने भी होंगे सब आ जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है फ्रेंड, मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपको देखिए इसमें पहले से ही कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर रखी हैं, देखा पहले से ही कुछ चीज़ें इसने सिलेक्ट कर रखी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने पास से किसी पे भी क्लिक नहीं करना है, जैसे कभी आपने गलती से इस पर क्लिक कर दिया, नहीं ऐसे आपको इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस आपको आना है। और अब देखिए एनालाइज और रन क्लीन, एनालाइज का मतलब क्या होता है ये आपको बताएगा, रन एनालाइज में मतलब जैसे आप अगर रन क्लीनर करेंगे तो ये आपका जो है, जैसे रन क्लीनर पर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी फाइल्स वगैरह होंगी वो सब ये डिलीट कर देगा। रन क्लीनर में आपको बताएगा नहीं कि आपको क्या कौन कौन सी फाइल्स हैं, क्या क्या मतलब क्या क्या जंक है, वो आपको दिखाएगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। अब जैसे आप एनालाइज पर करेंगे तो एनालाइज पर आपको ये दिखाएगा कि आपके पीसी में क्या क्या है। देखिए जैसे हम एनालाइज पर क्लिक करते हैं, एनालाइज पर ये देखिए हमें क्रोम बंद करने के लिए बता रहा है, हम यस कर देते हैं अभी के लिए। देखिए हमारा एनालाइज, देखिए ये सब हमारा जंक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं इसको रन क्लीनर कर देते हैं। रन क्लीनर करा, देखिए हमारा ये डिलीट कर रहा है जो भी हमारे टेम्परेरी फाइल्स हैं। देखिए 444 MB जो है हटा दिए, मतलब 444 MB मतलब आपकी रैम बेफालतू में जा रही थी। अब आते हैं फ्रेंड्स रन क्लीनर पे, रन क्लीनर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐसे ही ऑटोमेटिकली कर देगा, रन क्लीनर में आपको बताएगा नहीं क्या क्या जंक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये था हमारा एक छोटा ट्यूटोरियल कि किस तरह हम इजीली अपने पीसी की जंक फाइल्स डिलीट करें, इजीली अपने पीसी को बहुत फास्टर बनाएं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा बहुत, और प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है, यहाँ पे आपको इस जगह पे आपको एक वीडियो में आपको इस जगह पे एक वो मिलेगा आई का सा सर्कल जिस पर आई बना हुआ होगा, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं हमारी और वीडियोस आ जाएंगी, आप उसमें वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वन सेकेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।